सब गंदा काम नहीं करेंगे, वैसे हम लोग ये गंदा काम नहीं करेंगे, प्रॉमिस। कान पकड़े करो, कान पकड़े कहो, पढ़ो कान पढ़ो, नहीं तुम लोग करोगी, अनु करेगी लग रहा है, कहो ये गंदा काम नहीं करेंगे। देखो नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए बाहर का मौसम बहुत खराब है, तो हमने उस दिन जो साड़ी खरीद के लाए थे आप लोग को दही दिखाए थे, क्योंकि हमको समय नहीं मिल पाया था, तो आज देखिए चल रहा है। ये देखिए ये साड़ी हम इतनी खरीद के लाए थे अपने लिए, चार साड़ियाँ, और वो जो गुलाबी पीले कलर की साड़ियाँ हम कई दिन से पहन रहे हैं, लाल कलर की आप देखते खूब गए हैं, तो सब साड़ियाँ खराब हो गई थी, इसलिए हम गए थे उस दिन। तो देखिए ये साड़ी सब खरीद के ले आए हैं, तो चल रहे हैं ये साड़ियाँ। आज हम बाहर कुछ काम है नहीं, तो यही साड़ियाँ निकालते हैं और इसका ब्लाउज निकालते हैं और ये दे देते हैं जो है सिलने के लिए। तो सोचे चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, उधर समय नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए हम ये साड़ी लिए हैं, चार साड़ी लिए थे, तो एक ये वाली साड़ी लिए है, ये आसमानी कलर की, ये साड़ी कैसी आप बताइएगा, बहुत महंगी महंगी नहीं है। ये देखिए ये रेट है इसका 552 रुपए का, ये 552 रुपए की साड़ी है जो है 552 की। देखिए ये कैसी लगेगी साड़ी, हम इस कलर की साड़ी नहीं पहने थे, तो देखिए इस कलर की साड़ी बताइएगा जरूर। एक ये है और देखिए एक ये है, तो ये सब डेली बदे हम लाए हैं डेली के यूज के लिए। एक ये साड़ी है, थोड़ी ये नीली है और ये है, और ये साड़ी जो है 588 रुपए की है, ये 588 रुपए की साड़ी है, तो ये भी साड़ी अच्छी है डेली यूज के लिए। और ये इसका देखिए पूरा साड़ी ऐसे ही है जो है, पूरी साड़ी ये ऊपर से इस तरह का है और नीचे से ये है, तो ये साड़ी करिएगा, ये साड़ी हो गई। और फिर एक साड़ी हम लिए हैं, दिखाते हैं, एक ये साड़ी लिए हैं, बता दें ये हमने पीली साड़ी लिए हैं, दरअसल इसका रीजन है क्योंकि अभी हमारी लकी का बर्थडे आने वाला है, तो लकी के बर्थडे वाले दिन पूजा उजा करना है, तो उसके लिए हम ये साड़ी लिए हैं पूजा के लिए, तो ये पीले कलर की साड़ी है। अब बताइएगा ये साड़ी कैसी लगी, रुकिए मैं इसको खोल दूं, ये 688 रुपए की है, और इसको रुकिए खोल दिखाते हैं, ये साड़ी तो इसको मैं इसी तरह से भी रख दूंगी, इसको जो है इसको पूजा के लिए पहनना है। तो एक साड़ी ये हो गई, देखिए ये साड़ी ऐसी आएगी, पूरी साड़ी ऐसी आएगी, और एक ये साड़ी लिए हैं, ये भी साड़ी मैं पूरी साड़ी पे खोल दूं, तो देखिए ये साड़ी बिल्कुल ऐसी आएगी, ये जो साड़ी है ये देखिए ये साड़ी है, ये इसका नीचे का लुक है और ये ऊपर इस तरह का है गोल्डन, और पहनने पर साड़ी बिल्कुल ऐसी आने वाली है। तो इस साड़ी का जो रेट है वो है 688, ये साड़ी भी हमने 688 रुपए में लिए हैं, तो बहुत महंगी महंगी साड़ियां नहीं है और सब जो है डेली यूज के लिए है, और आप चाहे इसे कहीं पहनकर आ जा भी सकते हैं, बट मैंने इसे डेली यूज के लिए लिए है, तो यही चार साड़ियां लिए थे। और आप लोग बताइएगा हमने जो साड़ी पसंद किया है वो कैसी है, चलिए इसको सब रख देते हैं और ये दे देते हैं मैं जो है इसको सिलने के लिए, क्योंकि मेरी जो पुरानी जो साड़ी ये मैंने जो पहनी है ये सब जो है डैमेज हो चुकी है, फट चुकी है, मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये देखिए ये देखिए ये साड़ी जो है हमारी ये जल गई है, तो इस तरह से सब पुराने भी हो गए हैं, बहुत दिनों से पहन रहे हैं,
तो सब डैमेज हो गए हैं, तो इसको मैं सिलवा के लाती हूँ। इसका ये बॉर्डर और इसमें फॉल और लगवा देते हैं तो इसको पहनेंगे। तो चलिए बाकी को साड़ियाँ रख देते हैं, अब आप लोग की शिकायतें दूर हो गई होंगी। तो दोस्तों हम चल रहे हैं खाना खाने, और आज खाने में हमने कुछ बनाया नहीं है कुछ नहीं मतलब कि हमने बस आज खाने में केवल दाल चावल और रोटी बस बनाए हैं। तो बाहर बारिश हो रहा था, मौसम बहुत खराब है, दाल चावल रोटी बनाए हैं। तो केवल दाल जो है ये शिवम हमारा है ना, ये इस वक्त शिवम हमारा जो है कैमरा पकड़ा हुआ है, दाल नहीं खाता है, बहुत परेशान करता है। तो खाली दाल था तो इसलिए देखिए हमने 4-5 टमाटर भून दिए हैं, तो इसी का चल रहे हैं। ये इसमें प्याज अदरक लहसुन धनिया मिर्च डाल के तेल नमक डाल के इसका चोखा बना लेंगे। ये बड़ा बढ़िया लगता है, तो दाल के साथ चोखा हो जाएगा तो सभी लोग खा लेंगे। तो चलिए ये खा लेते हैं पहले खाना। तो बता दें सब्जियां तो खेतों में बहुत सारा है, लेकिन सब्जी भी खा खा के दम से जी उग गया है, तो चोखा चटनी अच्छा लगता है, इसीलिए टमाटर भून दिए थे हम, और कुछ बनाने का खाना नहीं कर रहा था। अब हम दाल नहीं खाएंगे, सिर्फ चोखा खाएंगे। दलिया भी खाया बना, पूरा लगाता हूँ। तो अभी सब मिक्स करके हम बना ले, देखिए इसका जो है ये दाल नहीं खाएगा। अब बताइए दाल नहीं खाएगा तो इसको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, इसका दिमाग कहाँ से पड़ेगा, ये 10th में पढ़ रहा है। सही है, मैं चोखा अच्छा रहेगा, सब सब्जी है इसमें मम्मी, नहीं कुछ नहीं, दाल भी चाहिए। चलो दाल तो खा ली है। अनु लक्की मारो खानो, शिवम को खानो, मारो खानो। तो फाइनली हमारा लंच हो रहा है, बीच में आग जल रहा है और बाहर पूरा पानी पानी बारिश हुई है। शिवम शिवम तो दोस्तों इस वक्त जो है देखिए 3:30 बज गए हैं, और गाय को चारा वगैरह सब डाल दिया गया है, और मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं। और बता दें कि अब मैं चल रही हूँ शाम के खाने की तैयारी करने, मौसम ख़राब है तो जल्दी से खाना बनाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है ठंडी लग रही है, और 2-3 दिन से जो है एकदम सूरज नहीं निकले, वही परसों थोड़ा सा सूरज निकला था तो हम गेहूं वगैरह वही सुखवाए थे, उसके बाद से फिर मौसम एकदम से ख़राब हुआ, और फिर ख़राब ही ख़राब है, रात भर बारिश हुई है। तो बाहर बगीचे में भी पानी है, जो बगीचे में हमने लकड़ी सब कटवा के रखे थे वो सब जो है भीग गया है। तो पहले तो मैं यहाँ देखिए आग जला ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ पैर एकदम ठंडे हो जा रहे हैं, और यही ठंडा हमको नुकसान कर रहा है, मेरे हाथ और पैर जो है, जैसे मैं रात को सोने जाती हूँ तो एकदम से सब सुन्न हो जाते हैं, तो बहुत हम परेशान हैं। और मेरा ये जो घर है ना, पूरा एकदम सीलन वाला घर है, पूरा एक घर में सीलन जैसे लग रहा है कि ज़मीन में से पानी निकल रहा है, तो आप इस पे चलेंगे तो पूरा एकदम पैर भींग जाते हैं, इसलिए मोजा भी नहीं चल पाता है कि मोजा पहन के हम कुछ देर तक यहाँ चल सकें। तो जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि खाना बनाएं आज थोड़ा पहले, क्योंकि रात हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो खाने में ये थोड़े से मटर थे, तो हम चल रहे हैं सब सब्जी वगैरह काट के रख ले रहे हैं, तो सब्जी वगैरह काट के रख लेंगे, तब उसके बाद ये भी एक एक तो बाहर पानी पड़ रहा है, बंद हो जाएगा, तो चलेंगे खेतों में से भी धनिया वगैरह सब लाने। और देखिए इधर हम आग जलाए हैं ना, ये दिन भर आग जल रहा है, दिन भर बिना आग के इधर हम लोग नहीं रह पाते हैं गांव में, जो है यहाँ खुले में पड़ता है मेरा घर, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो जो पछुआ और उत्तर वाली जो हवा चलती है तो वो सीधे मेरे जो है इधर आंगन में घर में आती है, तो मेरे घर के चारों तरफ आप देख ही रहे हैं खेत है, और खुद ही बगीचे में मेरा घर है, तो इस वजह से हमारे यहाँ ठंडी कुछ ज़्यादा ही रहती है। यूँ कहे तो हम आज से 2-3 साल पहले जो नैनीताल घूमने गए थे, तो एकदम से जैसे नैनीताल वाली फीलिंग आती है हमेशा, एकदम वैसा ही मौसम लग रहा है, बस यही है कि बर्फ़ नहीं पड़े हैं बस। हमारे एक मित्र जो है कमेंट किए थे कि प्रिंस सोनकर शायद नाम है उनका, तो कमेंट किए थे कि नैनीताल में बर्फ़ गिर रहे हैं, तो मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, मन किया यार काश हम जाके देख सकते बर्फ़, हमारा बहुत मन है कि लाइफ में एक बार ऐसे बर्फ़ गिरते हुए देखें। तो देखिए अब मेरा हाथ पैर तो इतना तंग कर देता है ठंडी में, हम ऐसे ठंडे इलाके में पहुंच पाते हैं कि नहीं, कब किस्मत में होता है।
तो दोस्तों देखिए इस वक्त 4:30 बज गए हैं और हम आए हैं खेतों में से थोड़ा सा ये धनिया वगैरह लेने। और बता दें मौसम एकदम ख़राब हो गया है, रात भर जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अभी भी देखिए खेतों में, यहाँ देखिए खेतों में देखिए पानी है, अभी भी खेतों में पानी है और ठंडा बढ़ गया। ठंडी की वजह से गला भी मेरा कांट की तरह जो है एकदम गड़ रहा है, खांसी आ रहा है। तो चलिए यहीं से ले चलते हैं धनिया वगैरह, आज खेत में रहने का एकदम मन नहीं कर रहा है। और अभी भी बदरी जो है एकदम घनघोर घेरा हुआ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा गन्ना सब जो है ख़राब हो रहा है खेतों में, इसकी पेराई करनी है, पर जहाँ हम लोग गन्ने की पेराई करते हैं उनका मशीन बिगड़ा हुआ है, तो ये भी बड़ी समस्या है। पहले बढ़िया, बहुत बढ़िया था, हम लोग के यहाँ जब बैल हुआ करते थे तो मेरे सास ससुर सब लोग थे तो बैलों से गन्ने की पेराई होती थी, वो बड़ा नीक लगता था, बहुत अच्छा लगता था देख कर। और कम से कम महीनों गन्ने की पेराई चलती थी और महीनों ताज़े ताज़े गन्ने के रस मिलते थे पीने के लिए। अब तो जैसे तरस के आदमी रह गया है, अभी मशीन पे जाएगा तो एक दिन में सारी गन्ने के काम एक दिन में ख़त्म। अब आदमी के पास इतनी व्यस्तता भी हो गई है ना, इतना समय नहीं है। नहीं पहले तो यही खेती बाड़ी यही सब था, और ना नेट था ना कुछ था ना लाइट थी, तो आदमी अपना खेती करके दिन भर शाम को अपना आराम करता था बस। लेकिन जब अब तो काफ़ी गाँव में भी काफ़ी बहुत परिवर्तन हो गया है, अब गाँव का भी लाइफ एकदम व्यस्त हो गया है। तो हम लोग भी इतना काम करते हैं, अंधेरे तक खेतों में काम करते हैं, नेट है, नेट पे देखिए आज नेट की वजह से आज हम आप लोग से कनेक्ट है, और इसी की वजह से आज दो पैसे हम भी मेहनत करके और अपना जो हमें ज़रूरी चीज़ होती है वो हम कर लेते हैं। लाइट है तो बच्चे भी आराम से पढ़ते लिखते हैं, और डे नाइट भी आदमी काम कर लेता है। तो कहने का मतलब कि कुल व्यस्तता जो है, साधन सुविधा हो गई तो आदमी की व्यस्तता भी बढ़ गई। ऐसे होता था कि साधन सुविधा हो जाएगा तो आदमी को थोड़ा आराम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितना साधन जितनी सुविधा दो आदमी उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है, तो उसकी व्यस्तता वैसे ही जो है बढ़ जाती है। तो देखिए इस बार हम लोग अभी ढूंढा भी नहीं बनाए, देखिए सब पेड़ देखिए गन्ने का सब गिर के एकदम ख़राब हो रहा है। चलिए देखते हैं कहिया जो है इसका काम होता है हमारे यहाँ। और देखिए ये जो आलू है, आलू भी अब लगभग तैयार है, इसको हमें दो ही सिंचाई किए, एक और सिंचाई की ज़रूरत थी पर वो किए नहीं। देखिए इसके सारे पेड़ जो है अब झुलस के गिर रहे हैं, तो अब मार्केट से आलू नहीं मंगाएंगे, अब यहीं से ले चलेंगे आलू अपने खेतों में से। अब सब्जी वगैरह जब बनाना होगा था यहीं से, ये देख रहे हैं ये सब पेड़ देखिए देख रहे हैं, लग रहा है कि इसमें आलू। अब आएंगे एक दिन ना कुदाल लेके तब आलू निकालेंगे, आलू खैर हमको लग रहा है कि पड़ गया है। देखिए देखिए इसे बड़े बड़े भी आलू होंगे, अभी इसको पूरा खोद के निकालना होगा तो निकलेगा। चलिए इसको लेते चलते हैं। इसे बता दें कि आलू हम लोग की तरफ लोमड़ी बहुत तेज़ खाती हैं, तो अभी तक लोमड़ी आई नहीं है, लेकिन लोमड़ी जिस दिन आ जाएंगी तो सब खोद खोद के आलू खाना शुरू कर देंगी। तो देखिए ये अनु आ गई है कोचिंग से, अनु ए अनु आज जल्दी छुट्टी हो कल का रहा पेपर रहा तनिया अनु वो मरचा तोड़ देती था, वो मरचा थी तोड़ दे तू। थैंकू 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 ये तोड़ देता मम्मी। क्या ली हो तो? क्या ली ये हमें मेरे हाथ में देखो आलू पकड़ो पहले हमने बीने आलू बीन रही थी कहाँ एक जने का खनाल है ना और मैं छूटा लग तो बीने देखिए देखिए नहीं ले जाओ तुम घर ले जाओ नहीं अपना ले जाओ। अरे तो आलू है ना ये देखिए ये लोग ऐसे खेत से आ रही थी कोचिंग से पढ़ के इधर इधर इनका कोचिंग है इधर वो जो खंबा सामने दिख रहा है वहीं पे कोचिंग है उधर से ये लोग आ रही थी तो रास्ते में किसी का खेत में आलू खना रहा था देखिए ये लोग आलू वहाँ से बीन के लाई है एकदम पागल हो गई है अनु तो हमारे घर में इतना आलू है और आलू बीन के ला रही है काहे अनु का सोचेंगे सब लोग कि इनके घर आलू नहीं है हाँ यही सब तुम लोग काम करते हो देखो सारी दुनिया देख रही है कि अनु कितना गंदा गंदा काम करती है इधर देखो यही काम करोगे हाँ बोलो बोलो नहीं देखो ये गंदा काम करेगी इसको भी बहुत मारते हैं इसका दिमाग बोलो सबसे प्रॉमिस करो कि आज से ये सब गंदा काम नहीं करेंगे कान पकड़े करो कान पकड़े कहो पढ़ो कान पढ़ो नहीं तुम लोग करोगी अनु करेगी लग रहा है कहो ये गंदा काम नहीं करेंगे देखो पूरी दुनिया तुम लोग को देख रही है बताओ क्या कहेंगे लोग सोचेंगे क्या सोचेंगे बताओ ये अनु कैसी पागल लड़की है आलू बीनती है लोगों के खेतों में हाँ चलो बोलो सॉरी
और ये नहीं ने गई थी, ये भी गई थी। तुम्हें था? ये अपने कोचिंग गई थी, ये सही है, ये बढ़िया लड़की है। इसका कोचिंग खेत में नहीं है। चलो अच्छा, पहले हमको मिर्चा तोड़ के दे दो, हमको मिर्चा तोड़ दो, हम धनिया ले ले। अनु तो देखिए रात के 8:30 बजे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और बाहर जो है मौसम एकदम से खराब हो चुका है, बारिश हो रही है और बहुत तेज हवा चल रही है। तो हम लोग इधर किचन में खाएंगे और जो उधर जो आग जल रही थी ना वो भी एकदम बुझ चुकी है। तो इधर मम्मी है, सबके लिए खाना निकाल रही है। अनु खा के सो गई और अनु खा के सो चुकी है और भैया भी पढ़ रहा है, तो ये भैया भी आएगा। बुला यही बैठ के सब लोग खा लेते हैं, कैसे बाहर एकदम पूरा भींगा भींगा है, पूरा पक्का एकदम भींगा है। तो चलिए भैया को बुला के लाते हैं। ये शादी का सीजन है, शादी का सीजन थोड़ी है, बारिश का सीजन है, जाड़ा में बारिश का सीजन है। तो देखिए मम्मी ये खाना निकाल रही है, ये मेरे लिए। और इधर भैया देखिए आ गया है, भैया जा रहा है अपनी जगह। और इधर देखिए पापा भी हैं। तो अनु तो खा के सो चुकी है, तो आज चार लोग ही खाना खाएंगे साथ में बस। अम्मा भी खा के सो चुकी हैं और हाँ दादी भी खा के सो चुकी हैं। तो बना क्या है, आलू और मटर की सब्जी। ये हम लोग का ठंडा वाला पानी। और इधर से रोटी भी गर्म करके मम्मी देगी। तो अभी अगली रोटी मुझे मिलने वाली है। चलो खाना शुरू करो, पहले खाओ लो। तो अब मैं खाना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और हम सब लोग खाना पीना सब खा लिए हैं। और लकी जो है बाहर से हाथ दिखा रही है और नहीं दरवाज़ा इधर है, किधर दरवाज़ा है, ये है दरवाज़ा। तो देखिए लकी बाहर है, आ रही है सोने। तो हम लोग चल रहे हैं अब सोने। और आज का ब्लॉग जो है हम एडिट कर लिए हैं, आधा एडिट किए हैं आधा बाकी है। तो चलिए अब रखते हैं, उम्मीद है आप सब लोग भी बढ़िया सोएंगे। और बता दें कि बारिश हो रही है बाहर जो है, मौसम ख़राब है, अब देखते हैं सुबह क्या होता है। कल तो रात भर पानी पड़ रहा था। तो उम्मीद है आज का हमारा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।